शुभ समाचारों की शुरुआत देश के विकास और देश की लाइफलाइन रेलवे से जुड़ी हुई है। आज हम आपको लेकर चलेंगे रायबरेली में देश के सबसे आधुनिक रेल फैक्ट्री है, और ये वो फैक्ट्री है जहां आपकी रेल यात्रा को सुखद और मंगलमय बनाने की तैयारी हो रही है। इस फैक्ट्री में जाकर आपको लगेगा कि वाकई कुछ महीनों के बाद रेल का सफर अब सुहाना होने जा रहा है। देश के लगभग हर कोने को एक दूसरे से जोड़ने वाली भारतीय ट्रेन्स का जन्म कैसे होता है, कहां होता है, ट्रेन्स के कोच कहां बनाए जाते हैं और कैसे एक लोहे की चादर पटरियों पर दौड़ती ट्रेन में बदल जाती है। यह है रायबरेली में मौजूद भारतीय रेलवे की मॉडर्न कोच फैक्ट्री। रायबरेली की इस कोच फैक्ट्री को आप भारतीय रेलवे का आधुनिक चेहरा कह सकते हैं, क्योंकि इस फैक्ट्री में कोचेस का निर्माण परंपरागत तरीकों से नहीं बल्कि आधुनिक तरीकों से होता है, इसीलिए इसे मॉडर्न कोच फैक्ट्री कहा जाता है। पाँच 541 हेक्टेयर यानी करीब 5 वर्ग किलोमीटर इलाके में फैली इस फैक्ट्री में भारतीय रेलवे के आधुनिक कोच जन्म लेते हैं, वो भी बिल्कुल इको फ्रेंडली माहौल में। सबसे पहले स्टील की कॉइल्स को चादर में बदला जाता है। इसके बाद आधुनिक मशीनों और लेजर कटिंग की मदद से कोच के हर हिस्से में लगने वाली शीट को उसका निश्चित आकार दिया जाता है। यह सब कंप्यूटर प्रोग्रामिंग की मदद से होता है ताकि गलती की संभावना को खत्म किया जा सके। इसके बाद रोबोटिक मशीनों की मदद से कोच की दीवारें बनाने का काम आगे बढ़ता है। यह भारत की पहली ऐसी रेल कोच फैक्ट्री है जिसमें इतने बड़े पैमाने पर रोबोट्स की मदद ली जा रही है। रायबरेली की इस मॉडर्न कोच फैक्ट्री को ऊर्जा की बचत करने के मकसद से तैयार किया गया है। इसका डिजाइन इतना आधुनिक है कि यहाँ दिन के वक्त लाइट जलाने की जरूरत नहीं पड़ती। यह सारा काम बाहर से आने वाले प्राकृतिक प्रकाश की मदद से किया जाता है। फिर भी फैक्ट्री के अंदर का तापमान सामान्य बना रहता है। एनर्जी कंजर्वेशन के जरूरतों को ध्यान में रखते हुए इस कारखाने में पहली बार इस तरह का प्रयोग किया गया है। अगर आप ऊपर देखेंगे ये जो लाइटिंग है ये रिफ्लेक्टिव टाइप की लाइटिंग है, इसमें कोई पावर कंजम्पशन नहीं है। जो नेचुरल सनलाइट है वो इससे रिफ्लेक्ट होकर के वर्कशॉप के अंदर आती है। अगर आप वर्कशॉप के शेड को देखेंगे तो आपको सारी लाइनें दिखाई देंगी और इस तरह से लग रहा है कि जैसे लैंप लगाए हुए हों। रायबरेली की इस कोच फैक्ट्री में कोच का भार संभालने वाली बोगियों का निर्माण भी किया जाता है। बोगी यानी वो हिस्सा जिसमें पहिए लगे होते हैं और ये ट्रेन का भार संभालते हैं। भारत में बनने वाली परंपरागत बोगियों की रफ्तार 130 किलोमीटर से ज्यादा नहीं होती, लेकिन रायबरेली की इस फैक्ट्री में तैयार कोच का निचला हिस्सा 160 से 200 किलोमीटर तक की रफ्तार पर दौड़ सकता है। ये IHB कोच एंटी टेलीस्कोपिक होते हैं, यानी दुर्घटना की स्थिति में ये पलटते नहीं है। इसी तरह व्हील शॉप में उन पहियों को कोच में जोड़ा जाता है जिनके सहारे भारतीय रेल लोहे की पटरियों पर दौड़ लगाती है। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि ट्रेन्स के इन पहियों का निर्माण भारत में नहीं होता है। आज भी भारतीय रेल के कोच में लगाए जाने वाले 28 हिस्से ऐसे हैं जो दूसरे देशों से मंगाए जाते हैं। एक बार कोच तैयार हो जाने के बाद इन्हें अंदर से आधुनिक और सुविधाजनक बनाने का काम शुरू हो जाता है। रेल मुसाफिर अब ज्यादा सुविधाजनक और आधुनिक तरीके से यात्रा करने पर जोर देते हैं और इन कोचेस का निर्माण करते हुए यात्रियों की सुविधा और सुरक्षा का पूरा ध्यान रखा जाता है। एंटी क्लाइंबिंग फीचर्स, एंटी रोलिंग फीचर्स और डिस्क ब्रेक सिस्टम दुर्घटना की स्थिति में यात्रियों को सुरक्षा की गारंटी देते हैं। ये जो कोच बनाए जा रहे हैं, इन कोच की ये खासियत है कि ये अगर डिरेल होते भी हैं तो पलटेंगे नहीं, एक दूसरे के ऊपर नहीं। हाँ, वो जो आपका एंटी रोलिंग फीचर है वो आपका बोगी की वजह से आता है। इसकी जो बोगी है वो उसका जो कनेक्शन है इसके साथ, उसकी वजह से ये कोच पलटते नहीं है। ये आधुनिक फीचर्स रेल यात्रा के दौरान लगने वाले झटकों में कमी लाने का भी काम करते हैं। नॉर्मली जो जितने भी पार्टीशन हमारे खड़े हुए हैं जी, ये हमारे लिए बेसिकली पिलर्स का काम करते हैं, क्योंकि सीट एंड बर्थ सारी हमारी इसी पे लोड होती है। जी जी। तो हमने इसमें हनीकॉम पार्टीशन दिया है। हनीकॉम से क्या हमें स्ट्रेंथ भी मिल रही है, एज वेल एज हमारा जो मेटल का जो कॉम्पोनेंट्स है वो भी काफ़ी रिड्यूस कर गया है। पैसेंजर अगर जो नॉर्मली यहाँ बैठते हैं वो इनकेस अगर वो बॉटल होल्डर यूज़ नहीं करना चाहते हैं तो यहाँ पे 4 बॉटल होल्डर हमने नीचे दिए हुए हैं, तो वो उनको ईजिली यूज़ कर सकते हैं। एक तो चार्जिंग पॉइंट्स बढ़ा दी गई हैं। एक जो चार्जिंग पॉइंट हमने बढ़ाया हुआ है वो लॉन्गी साइड में बढ़ाया है, जो हमारा साइड लोअर का जो बर्थ है, क्योंकि पहले ये नहीं था, सिर्फ हमारे इसी केबिन साइड में होता था। नॉर्मली जो साइड लोअर के जो पैसेंजर्स थे उनको परेशानी होती थी चार्जिंग के लिए, तो रिसेंटली हम लोगों ने इसमें भी इंट्रोड्यूस किया है और वहाँ पे साइड लोअर में भी चार्जिंग पॉइंट दिया हुआ है मोबाइल के लिए, लैपटॉप के लिए। बिल्कुल। इसी तरह यात्रियों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए कोच को अंदर से आधुनिक और आरामदायक बनाया जाता है। बायो टॉयलेट, इलेक्ट्रिक सेविंग, आरामदायक सीट, चार्जिंग पॉइंट जैसी सुविधाओं के साथ ये कोच आपकी यात्रा को सुखद और मंगलमय बनाने का काम करते हैं। इस नए कोच में सबसे जो इम्पोर्टेंट है वो हमारे लिए है कि एसएस का मटेरियल है, जो मोस्टली होता था कि रस्टिंग की प्रॉब्लम आती थी, तो एसएस के है। पैसेंजर के कंफर्ट के लिए हमने शेविंग के लिए यहाँ पे इलेक्ट्रिक प्रोवाइड कराया है, और 2-3 चीज़ें हमने जो प्रोवाइड कराई हैं वो इधर आए हैं, इसमें इस साइड में है, जिसमें हमने बायो टॉयलेट के लिए जो यूज़ कर रहे हैं हम, जो सबसे कंफर्टेबल चीज़ हमारे लिए है वो चीज़ हमने किया है। और महत्वपूर्ण बात यह है कि ब्रेल लिपि में हर जगह लिखा गया, हर जगह ब्रेल लिपि का हमने यूज़ किया हुआ है। अभी रिसेंटली इंट्रोड्यूस किया हमने, पहले नॉर्मली हिंदी और इंग्लिश में आता था, अभी हम इसको ब्रेल लिपि भी स्टार्ट किया है, ताकि जो हमारे डिफरेंटली एबल्ड पर्सन है उनके लिए कंफर्टेबल रहे। दिसंबर महीने से इस कोच फैक्ट्री से तैयार होकर निकलने वाले कोच एलसीडी स्क्रीन, एलईडी लाइट, सीसीटीवी और खूबसूरत इंटीरियर डेकोरेशन से सुसज्जित होंगे। रायबरेली में रेलवे की ये मेगा फैक्ट्री भारतीय रेलवे के भविष्य को हकीकत में बदलने का काम कर रही है। हमें उम्मीद है कि जब आप अगली बार ऐसे किसी आधुनिक कोच में सफर करेंगे तो आपको पता होगा कि इन कोचेस का निर्माण कहां और कैसे किया गया है। प्रकाश दुबे, जी मीडिया, रायबरेली। और आइए अब आपको रायबरेली कोच के बारे में कुछ एक्स्ट्रा जानकारी देते हैं। कोच फैक्ट्री का निर्माण 2009 में शुरू हुआ था। 2500 करोड़ रुपए की लागत से इसका निर्माण किया गया। पेरम्बूर और कपूरथला में भी रेल कोच फैक्ट्री है। रोबोट का इस्तेमाल करने वाली ये देश की पहली रेल फैक्ट्री है। आपको बता दें, इको फ्रेंडली रेल कोच फैक्ट्री है ये, और साथ ही ऊर्जा की कम खपत करने वाले कोच का निर्माण किया जाता है। यहाँ फैक्ट्री में बनने वाले कोच में बायो टॉयलेट की सुविधा भी है और रोशनी के लिए नए सिस्टम है। 16 लाख यूनिट की बचत होती है इससे। फैक्ट्री में रात में एलईडी लाइट्स का इस्तेमाल किया जाता है। सोलर प्लांट से हर साल 1 करोड़ 46 लाख रुपयों की बचत हो जाती है। फैक्ट्री में दिन के वक्त सूरज की रोशनी का इस्तेमाल किया जाता है।